कहाँ से आए हैं? नीचे से आए हैं, बोलिए ना, कोनो ऊपर से आए हैं। ना, कौन? प्रधानमंत्री का ये झंडा और राष्ट्रपति का ये झंडा, ये है एजेंसी, ये इमरजेंसी, और साथ में रखते हैं करेंसी। ये तो पैदल आए या गाड़ी वाड़ी से आए आप? साधन है तो पैदल आने का, कोई गच्छा हो भाई का? रास्ते में मर जाए गोर झरक करके, तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति का करेंगे? सही कह रहे हैं, पैसा जो है बोरा में भर कर भगवान भेज देते, सोते रहते पिछवाड़ में गिरा के चल देता है। सही में बिहार में 80 बरस का जो बूढ़ा आदमी है ना, वो भी दायां बायां नहीं जानता है, तो इससे दायां बायां पढ़ाते हैं रोड पर। अब बोलिए क्या है महाराज जी, कहाँ से आए हैं आप? बाप रे बाप, कहाँ से आए हैं? नीचे से आए हैं, बोलिए ना, कोनो ऊपर से आए हैं? ना, कौन सा जगह से आए हैं? जिला बोलिए ना। जिला कौन सा जिला? अच्छा, बिहार के मधेपुरा जिला से। अच्छा, मधेपुरा से आए हैं, तो बाबा जी के भक्त लगते हैं बजरंगबली के? हम लोग बहुत पुराना भक्त है, 30 साल से झंडा ढू रहे हैं। तो 30 साल से कोई आस्था वस्था मान्यता वन्यता है कोई क्या? गछा हुआ नहीं है। हम लोग का खानदानी आदत है झंडा उठाने का। अच्छा, खानदानी आदत है। तो पैदल आए या गाड़ी वाड़ी से आए आप? साधन है तो पैदल आने का, कोई गच्छा हुआ है का? रास्ते में मर जाए गोर झरक करके। साधन से आए हैं? साधन से आए हैं, जो है मधेपुरा से आए हैं। जी जी, मधेपुरा से चले आए हैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए, और जब इनका मुंह और जुबान थक जाता है तो इन्होंने एक रिकॉर्ड ये देखिए, ये हुआ इमरजेंसी, मुंह हुआ एजेंसी। मतलब मुंह आपका एजेंसी, मुंह एजेंसी बंद हो जाती है तो आप चला देते हैं इमरजेंसी। साथ में लेके चलते हैं करेंसी। कितना करेंसी लेकर? मतलब किसी से चंदा वाला धंधा नहीं करते, विचार गंदा हो जाता है। तब जो अपने पास है वही लेकर चलते हैं। बस बस, मुंह है आपका एजेंसी, ये माइक है इमरजेंसी, और साथ में लेकर चलते हैं करेंसी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या करने आए हुए हैं? सत्संग सुन, श्री राम का प्रचार करने आए हैं। सत्संग सुनने वाली बात छोड़ दीजिए, सत्संग सुनने आते तब 13 को आते, हम लोग 10 का आ गए प्रचार के लिए। कितना दिन पहले से जो है आए हुए? 3 दिन पहले से। अच्छा, ये कहाँ कहाँ तक जाते हैं प्रचार करने के लिए? पूरा ऑल इंडिया। पूरा ऑल इंडिया। तो महाराज जी के ही कथा में जाते हैं और लोगों के कार्यक्रम में भी? सब में, जनरल सब में। पार्टी पोलिटी धर्म नीति में कोई बात नहीं। मतलब जहाँ कथा होता है, जो अच्छा लगता है ज्ञान, वो ले लेते हैं, बाकी को बाहर निकाल देते। मतलब जो ज्ञान की जरूरत है वो उसको ले लेते हैं, बाकी सब कुछ सर के ऊपर से उड़ा देते हैं। उतना स्टॉक का करेंगे, एक नंबर सब रख लेते हैं, एक नंबर सारा रख लेते, 2 नंबर निकाल देते हैं। निकाल देते हैं। तो कितने शिष्य के साथ चलते हैं आप? हम अकेले चलते हैं। अकेले ही चलते हैं? बिल्कुल, लेकिन झंडा एक दर्जन रखते हैं। झंडा एक दर्जन रखते हैं, सब में जय श्री राम लिखा होता है। तो काला झंडा और लाल झंडा का क्या मतलब हुआ? अरे ये क्या लिखा हुआ, पहले पढ़े हुए, अंग्रेजी खाली पढ़े हैं। शनि देव। ये न्यायाधीश है ऊपर सरकार के। अच्छा, ये शनि मतलब शनि का प्रकोप कम करते हैं? अरे न्यायाधीश है, कर्म का फल ये करते हैं। अच्छा, और ये वाले? ये तो प्रधानमंत्री है, चारों युग के निर्माता। या प्रधानमंत्री का भी झंडा लेकर चलते हैं, और चारों युग के निर्माता। तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति का करेंगे? सही कह रहे हैं। बाप रे बाप, का है। अच्छा, ये कितने साल से ये सब कर रहे हैं? 30 बरस से कर रहे हैं। 30 साल से? कोई रोकता उकता नहीं घर में? काहे रोकेगा कि सब क्या कर रहे हैं, झंडा ढो रहे हैं? ये भगवान, उसको कमी रहेगा तब ना रोकेगा टोकेगा। मतलब कोई कमी भी होने नहीं देते? 20,000 का जरूरत पड़ता है, 40 दे देते तो काहे रोकेगा? तो ये दिन भर तो झंडा ढो दे तो 40 आता कहाँ से? मतलब को भगवान बोरा के हिसाब से देता है, गिन करके नहीं देता है। मतलब जो है पैसा जो है बोरा में भर कर भगवान भेज देता है, सोते रहते पिछवाड़ में गिरा के चल देता है। सही में तब का वैसे देख सकते हैं, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, और दो दो तीन तीन दिन पहले से लोग जो है इस त्रेतपाली मठ पर बिहार के अन्य जगहों से आने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम बताया था आपने? देखिए, बचपन का नाम है अनिल शाह, 30 साल से जो झंडा रहे तो डायरेक्ट जय श्री राम के नाम से जानते सब कोई। बचपन का नाम अनिल शाह जी, और इसके बाद अब जय श्री राम आपका नाम। सब कुछ। ये लाल डंडा कह लिए? नहीं समझे, नहीं समझा दीजिए। जब मेन रोड में चलते हैं ना, सब बस में दिमाग खराब होगा। महाराज जी, रुकिए ना बाबा, रुकिए ना,
बोलिए लाल डंडा का लेकर चलते हैं अब जैसे रोड पे चलते हैं ना तो बिहार अरे भाई चुपिए ना बाबा बिहार में 80 बरस का जो बूढ़ा आदमी है ना वो भी दायां बायां नहीं जानता है तो इससे दायां बायां पढ़ाते हैं रोड पर। अच्छा मतलब दायां बायां अपने अपने साइड से चलिए नहीं तो सरकार को 4 लाख देना पड़ जाएगा। अभी हमारे साथ जय श्री राम के नाम से विख्यात झंडा लेकर चलने वाले झंडा वाले बाबा जय श्री राम जी है और ये राम नाम का प्रचार कर रहे हैं 3-4 दिन पहले से आ गए हैं और तरेतपाली मठ में जय श्री राम की अलख जगा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर आ रहे हैं यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी लेकिन उनसे उनके आने से पहले तमाम उनके चाहने वाले उनके श्रद्धालु उनके भक्त जो है यहाँ पर पहुंचकर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और तमाम लोग जय श्री राम का नारा दे रहे हैं। इनसे पूछा मैंने कि क्या करते हैं इन्होंने बताया सिर्फ और सिर्फ 30 साल से मैं ये झंडा ढोता हूँ। हमारे पास प्रधानमंत्री का ये झंडा और राष्ट्रपति का ये झंडा ये है एजेंसी ये इमरजेंसी और साथ में रखते हैं करेंसी ये तमाम चीज नारा के साथ ये चलते हैं। इसको इसको जो है इसमें जब मुंह थक जाता है तो इससे बोलते हैं दोनों में सेटलमेंट है कैसे करते हैं बता दीजिए नहीं मुंह से कैसे करते हैं बोल दीजिए जय श्री राम इसमें भी मेरा भी आवाज है। अच्छा इसमें भी आपका आवाज है तो इसमें सुना दीजिए एक बार हे भगवान तब बैटरी का चार्ज आपको लगेगा। अच्छा आपका 2 कॉपी है चलिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित थे बजरंगबली के दरबार में थे और यहाँ पर इन श्रीमान जी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे लोगों की आस्था और श्रद्धा है। महाराज जी कितना उम्र हुआ आपका? हमारा हो गया 85 बरस। तो आप भी झंडा लेकर जय श्री राम कहते हैं? नहीं बोल सकते आप नहीं बोल सकते हैं नहीं बोल कर उनको। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।